नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सलोनी। चलिए रुक करते हैं समाचार की ओर। रायसिंह नगर नायक समाज संस्थान की बैठक जयपुर के जगतपुरा राजपूत भवन में संपन्न हुई। संस्था के संयोजक रतन आजाद की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर भारी संख्या में समाज के गणमान्य व्यक्ति अलग अलग जिलों से पहुंचे, जिसमें संयोजक रतन आजाद ने समाज को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा में अपने बच्चों को जोड़ने का आह्वान किया और कहा है कि आज समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब हमें शिक्षा नहीं मिलेगी, तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इस मौके पर सेवानिवृत्त SI फूल सिंह नायक ने भी अपने विचार रखे, तो वही नई कार्यकारिणी का गठन भी किया गया, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार रामस्वरूप नायक को राज्य मीडिया प्रभारी बनाया गया, तो वही महिला कांग्रेस सेवा दल जिला अध्यक्ष गोगा देवी नायक को श्री गंगानगर जिला का अध्यक्ष बनाया गया और राकेश दुबगा राज्य उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया, तो वहीं स्वाई माधोपुर के जिला अध्यक्ष सुर ज्ञान सिंह को भी बनाया और बाबूलाल नायक को तहसील अध्यक्ष स्वाई माधोपुर, रामस्वरूप नायक स्वाई माधोपुर जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जय सिंह को मीडिया प्रभारी स्वाई माधोपुर बनाया गया, तो वहीं दलित नायक को जयपुर का कार्यकारिणी सदस्य मनोनीत किया गया। इस मौके पर सभी आए हुए समाज के गणमान्य व्यक्तियों फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया और उन्हें बैठक में पहुंचने पर संयोजक रतन आजाद की तरफ से आभार व धन्यवाद व्यक्त किया। श्री गंगानगर जिले से DL सरस्वत की खास रिपोर्ट। आज नायक समाज संस्थान का कार्यक्रम कार्यकारिणी विस्तार कार्यक्रम रखा गया जयपुर के अंदर, जगतपुरा के अंदर, विज्ञान नगर के अंदर। तो आज हमारी जो गंगानगर जिले की जो कार्यकारिणी हमने बनाई है और स्वाई माधोपुर की बनाई है, इसके अंदर आदरणीय गोगा देवी जी है, इनको गंगानगर जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है हमने। सुरज्ञान जी नायक साहब है, उनको स्वाई माधोपुर का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है और इसी प्रकार से तमाम जो साथी है इनकी नियुक्तियाँ करी गई है। नायक समाज संस्थान शिक्षा के क्षेत्र पर काम करेगी और हम सब मिलकर के राजस्थान के अंदर ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत के अंदर, हमारा समाज शिक्षा के अंदर पिछड़ा हुआ है, उसके अंदर हम घर घर जा कर के और अलग जगहें और शिक्षा के प्रति समाज को सचेत करेंगे। मैं रतन आजाद, संस्थापक नायक समाज संस्थान।